इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम हिंद इस्लामिक चैनल के नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखें, आमीन सुम आमीन। नाजरीन, आज की वीडियो में एक भाई ने सवाल किया है कि जब मैं हम बिस्तरी करके फारिग हो जाता हूं, मैं डिस्चार्ज हो जाता हूं, मैं अपना हक जोजियत अदा कर लेता हूं, मैं खुद को सकून भरा महसूस करता हूं, तो मैं यही सवाल अपनी बीवी से पूछता हूं कि क्या तुम फारिग हो गई, क्या मैंने तुम्हारा हक अदा कर लिया, क्या तुम सेटिस्फाइड हो, क्या तुम डिस्चार्ज हो गई। तो इन सब सवालों का मेरी बीवी कोई जवाब नहीं देती और वो खामोश रहती है। इसी खामोशी ने मुझे डिप्रेशन का शिकार बना दिया। मैं तन्हाई में बैठकर अक्सर ये सोचता हूँ कि मेरी बीवी मुझसे सेटिस्फाइड है या नहीं। तो आज के वीडियो में हम इन बातों को डिस्कस करते हैं और आप बने रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। अक्सर लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन शर्मोहया के मारे वो पूछ नहीं पाते हैं। इस भाई ने हिम्मत करी और ये सवाल पूछा, और यही सवाल बहुत से और लोगों का भी हो सकता है। इसका जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इस भाई ने सवाल कहा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ, क्या वाकई में डिप्रेशन से किसी बंदे को निकालना भी सवाब का काम है? जब बीवी से हम बिस्तरी की जाए तो शोहर को कैसे मालूम होगा कि बीवी फारिग हुई या नहीं? आज हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में आयत नंबर 34 सूरत अन्निसा, अल्लाह पाक फरमाता है, नेक औरत कनात करने वाली होती है और नेक औरत नेक बीवी होती है। जब शोहर घर में न हो तो अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करती है और उसकी हर चीज को हिफाजत करती है जिसको उसका शोहर पसंद करता है। मियां बीवी को जो मखसूस बातें होती हैं उनका जिक्र किसी और लोगों के सामने नहीं करती, और यही औरत की हया का तकाजा है। शोहर अम्बिस्त्री कर रहा है तो उसे कैसे मालूम हो कि उसकी बीवी उससे मुतमईन हुई है या नहीं? तो किताबों में तो लिखा होता है जब शोहर फारिग होता है तो उसका जिस्म ठंडा होता है और मर्द का अजाब खास नीला बन जाता है। इन बातों से ये पता चलता है मर्द डिस्चार्ज हो चुका है। जब औरत डिस्चार्ज होती है तो उसकी गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी, उसका जिस्म ठंडा हो जाएगा। इस बात की निशानी है कि औरत डिस्चार्ज हो गई। एक बड़ी निशानी ये भी है जब हम बिस्तरी के बाद औरत गहरी नींद में सो जाए तो ये एक अलामत है कि उसकी बीवी उससे सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है, शोहर ने हम बिस्तरी की, डिस्चार्ज हुआ और चला गया। औरत एक दिन बर्दाश्त करेगी, दो दिन बर्दाश्त करेगी और घर में रोज यही मामूल रहा तो फिर उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। एक वजह यह भी है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं, मियां बीवी का ताल्लुक ठीक नहीं है, तो कुछ सोचिए कि क्या बात हो रही है, क्या बीवी का हम सही तरह से हक अदा नहीं कर पा रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो खुद को बदलिए। शरीयत तो यह कहती है कि मियां बीवी हम मिस्त्री कर रहे हैं और शोहर पहले डिस्चार्ज हो जाए तो ये नहीं कि बीवी से अलग हो जाए, बल्कि तब तक बीवी के साथ रहे जब तक उसे फारिग ना हो जाए। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों के सामने बयान की है। वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।